जिला बिलासपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। कोविड नियमों की अवहेलना पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। बाजार में बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों के पुलिस चालान भी काट रही है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जिला प्रशासन को सख्ती से नियमों के पालन करवाने के आदेश दिए थे। पुलिस प्रशासन ने कोरोना महामारी के दौरान 1053 लोगों को मास्क ना पहनने के चलते कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इन लोगों से 2,60,000 रुपया जुर्माना भी वसूला है। 3-4 दिनों में ही पुलिस ने लगभग 167 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले 4 दिनों में पुलिस ने इन लोगों से 80,800 रुपये की जुर्माना राशि वसूली है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान पुलिस की ओर से मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में मास्क पहनना अनिवार्य किया है, लेकिन अधिकतर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है। क्वारंटीन के दृष्टिगत लोगों को जागरूक करने के लिए जिला पुलिस बिलासपुर ने अपना अभियान भी छेड़ा है, जिसमें हमारे सारे थाना प्रभारी, उनका स्टाफ जो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो मास्क पहने तथा सामाजिक नियमों का जो भी प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा तय किए गए हैं उनका पालन करें। अभी तक हमने 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक 4 दिनों में 167 आदमियों के चालान किए हैं जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहने थे, और 85,800 रुपये जो है बतौर जुर्माना जो उनसे वसूला गया है। जब से लॉकडाउन लगा है उस अवधि से अब तक जो है वो 1053 चालान जो है विदाउट मास्क हमने किए हैं, और करीब 2.5 लाख रुपये जो है बतौर जुर्माना जो डिफॉल्टर्स हैं उनसे वसूला गया है। आम जनता से आग्रह है कि वो सरकार और प्रशासन द्वारा जो निर्धारित नियम हैं उनकी पालना करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और मास्क का जो है प्रयोग करें ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। हमारी जो 2 लेडी कॉन्स्टेबल्स हैं वो बिलासपुर शहर में प्रतिदिन जो है वो लोगों को जागरूक करने के कार्य में लगी हुई हैं, और हमारी आगे यह भी योजना है कि हम जिनके पास मास्क नहीं है उनको हम मास्क भी वितरित करें, तो इसको भी हमने शीघ्र ही हम शुरू करेंगे।